आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जाम्स में क्या खा के जाएं वे क्या पहनें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी हाउस में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम्स में क्या खा कर जाएं। एग्ज़ाम्स में आप पोहा, पराठा, कुछ इस टाइप की चीज़ खा कर जाएं और उसमें जो है थोड़ी सी हल्दी डलवा कर तब खाएं। दूध, छाछ, मट्ठा, कुछ भी ऐसी चीज़ लेते हैं उसमें भी हल्की सी हल्दी मिलाएं और जिससे उसका रंग पीला हो जाए और तब उसे खाएं। तो पीले रंग का सिग्निफिकेंस होता है गुरु ग्रह से। गुरु यानी जुपिटर। जुपिटर का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज जो आपने पूरे साल मेहनत करी है उस मेहनत का फल भी हमको मिलना चाहिए, इसलिए पीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। ये तो हुआ पहला उपाय। दूसरा उपाय है कि आप क्या पहन कर जाएं। ये आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये दो पेन यहाँ क्यों रखे हुए हैं। पहला पेन ये ग्रीन कलर का, इससे ये इसलिए है कि हम पहले आपको बताएंगे कि आप जो है जो शर्ट पहनेंगे वो कौन से कलर की होगी। ये उपाय दोनों ही उपाय बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए ही हैं। तो जो भी आप शर्ट, टॉप, कुर्ती कुछ भी पहनते हैं तो वो ऐसे ग्रीन कलर की होनी चाहिए, डार्क ग्रीन कलर की, जिससे कि ग्रीन कलर का असर पूरा आए। ग्रीन कलर का मतलब होता है गुरु ग्रह से, मरकुरी से। मरकुरी का मतलब होता है इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल। तो इसलिए आप ब्लू ग्रीन कलर का यूज़ करिए। अब बात करते हैं लोअर की। आप जो जीन्स पहनेंगे या आप जो शलवार है या लेगिंग्स हैं वो ब्लू कलर की पहनेंगे, डार्क ब्लू, जिससे कि ये ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है शनि का। आप चाहें तो ब्लैक कलर भी पहन सकते हैं, ब्लैक भी शनि का कलर होता है और उससे जो आपके एग्ज़ाम्स में बाधाएँ हैं, रुकावट हैं, कोई भी परेशानी है वो नहीं आएगी। इस तरह से आपके साथ में गुरु, बुध और शनि तीन ग्रह आपके साथ साथ चलेंगे और आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। आपके मार्क्स अच्छे आए, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। आपकी हर मनोकामना पूरी हो। आपका दिन शुभ हो।